काहू है फूकन? ससुरी मिट्टी चलेगी आंख में। ध्यान से देख, ध्यान से। ये अचानक तूफान कहां से आ गया यार? ला पानी डाल दे, दे। ले अच्छे से धो ले मुंह। घबरा मत, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं किसी को बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो पानी। मैं उस कटका नंद को नहीं छोड़ूंगा। वीर, इससे पहले कि तूफान बढ़े हमें फौरन शमशान भूमि जाना पड़ेगा। कल दिन में नहीं जा सकते? ताकि और मासूमों की जान चली जाए। वी हैव टू स्टॉप हिम। और उसने हमें मार दिया तो? ब्रदर, तुम्हें होगा, मुझे मौत से कोई लगाव नहीं। तो फिर जियो बुजदिलों की तरह। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी मदद। अब जो करूंगा अकेले करूंगा। देवी माँ, इस घोर अंधकार से उजाले की ओर ले चल माँ, मुक्ति दे इस संसार को कटकानंद से। क्या है उसका नाम माँ? बता माँ, बता इस बच्चे को क्या है कटकानंद के मुक्ति का रहस्य। बता माँ, माँ! भटके हुए को राह दिखा दी। धन्य है बाप। कल अमावस्या की रात तक 5 और बलि चढ़ाऊंगा, इसलिए दूर रहे हमसे, वरना ये बलि तेरी होगी। उसका नाम कटकानंद है और कल शाम उसका सामना करने मैं चारोखी के शमशान भी गया था, लेकिन तूफान की वजह से वहां की मिट्टी अब चारों ओर फैल चुकी है।
यानी कि कक्कानंद का कहर यहां तक पहुंच चुका है। उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा अजय के बेटे। बुरी आत्मा को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसकी मुक्ति। और कटकानंद की मुक्ति किए बगैर मैं यहां से नहीं जाने वाला। लेकिन तब तक हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, कोई भी अकेले कहीं ना जाए। और अगर कहीं अलग रंग की मिट्टी देखे तो सबसे पहले मुझे खबर दे। ये ले, ये ले। मेरी कोयना पे हमला करने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये ले। मुझे छोड़ दो वीर बाबू, वीर बाबू मुझे छोड़ दो। अच्छे, तुझे छोड़ दो। ये ले। देखा कोयना, I save you. Me, your hero. तुम और हीरो, हीरो देखना है ना तो उसे देखो। अकेले जा रहा है चारुखी के प्रेत से लड़ने। कौन वो चेला? अपना चेला कुछ भी। You believe not me? देखो पब्लिक क्या मिल गई, भाव खाता है। भाव भी उसी को दिया जाता है जो भाव के लायक हो, समझे मिस्टर जीरो। चलो रुको, मेरे पास पिक्चर के दो टिकट है। अरे कोई ना, जीरो से हीरो तो मैं बन के रहूंगा, पिक्चर तो तू मेरे साथ ही देखेगी कोई ना। गुड मॉर्निंग। क्या बात है महाराज, आज आप बड़े अच्छे मूड में। और तू इतना उदास क्यों है? कल रात को कटकरण ने बानी को मृत्यु परम सत्य है, मोह में मत पड़ नहीं तो लक्ष्य से भटक जाएगा। मोह ही तो है जो मुझे यहां तक लाया है महाराज जी, एक बेटे का मोह अपनी मां के लिए। सही कहा, मां के मोह की शक्ति तो कुछ और ही होती है। कल रात मेरी मां मिली थी, मेरी देवी मां ने दर्शन दिए थे। देवी मां? क्या कहा उन्होंने? उपाय बताया, कटकानंद की मुक्ति। कैसे? कटकानंद की मुक्ति उसके कपाल में है। कपाल यानी कि उसकी खोपड़ी, उसके मृत शरीर का कपाल जो तू मुझे ला करके देगा। आज अमावस की रात को, और मैं उसे इस पवित्र अग्नि में जलाकर कटकानंद को सदा के लिए भस्म कर दूंगा। कटकानंद का कपाल, वो तो हमें उसी शमशान में मिलेगा जहां उसकी चिता जली थी। मैं अभी जाकर वहां से लेकर आता हूं। मूर्ख, अकेले जाएगा तो उसके कपाल के बदले कल अपना कपाल पाएगा। उस लड़के को ले जाओ मेरे साथ। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे गातू, मैं मौत से नहीं डरता। मृत्यु पाकर क्या तुझे तेरी मां मिल जाएगी? जोश और होश दोनों को मिलाकर के काम ले। उस लड़के के बिना तेरी यात्रा अधूरी है।
बलि चढ़ा दो, कोई नहीं रोक पाएगा। तू ना वो तेरा पुत्र। महाराज जी, ये तृतीया क्या है? तृतीया कुछ सुना सुना सा लगता है। अगली बार जब देवी मां के दर्शन होंगे तो उनसे पूछूंगा। तू पहले अपने प्रथम कार्य को संपन्न कर, समय बहुत कम है। 5 बलियों के पश्चात आज अमावस की रात कटकानंद फिर जीवित होगा और प्रतिदिन एक और बलि, एक और बलि, एक और बलि। हरे कृष्ण प्रभु, उस राक्षस को हमारे घर से दूर रखना प्रभु, हमारी रक्षा करना प्रभु। बबलू कहाँ है? हमने कहा था उसे कि कहीं अकेले मत जाया कर, लेकिन हरे कृष्ण हमारी रक्षा करना प्रभु। बबलू, ये चप्पल पहनकर अंदर कहाँ जा रहा है बेटा? चप्पल तो उतार दे। कहां फिरता रहता है सारा दिन? ये देखो तू, कितनी मिट्टी है चप्पलों में। मैं बाहर झाड़ कर आती हूं। मिट्टी? और अगर कहीं अलग रंग की मिट्टी देखे तो सबसे पहले मुझे खबर।
एक से भले दो ब्रदर। तुम? यस ब्रदर, मैं। वो क्या है ना, मैंने घर जाके बहुत सोचा और फिर मेरे इस मोम दिल ने बोला कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में, वो भी इस हालत में कैसे जाने दूं? तरस किसी और पर खाना, समझे? ब्रदर, तरस कहाँ? मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। सच तो ये है ब्रदर, तुम्हारी ललकार ने मेरे अंदर के हीरो को जगा दिया। मुझे किसी हीरो की जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। अरे ब्रदर, देख, उस लड़के के बिना तेरी यात्रा अधूरी है। एक काम कर, तू वहां खोज। लेकिन ब्रदर, एक बात बताओ, तुम सॉरी, हम ढूंढ क्या रहे हैं? कपाल। कपाल, वेरी गुड। कोई पौधा है? नहीं, इंसान की खोपड़ी है, खटकानंद की। क्या हुआ, तेरे अंदर का जागा हीरो फिर से सो गया? अरे सोया नहीं, थोड़ी देर के लिए खो गया था। मेरे घर चलो जल्दी। तुम्हारे घर? हाँ मेरे घर। क्या मतलब, कोई मजदूर यहाँ आने को तैयार नहीं है? हाँ? अरे ये मेरे घर का बिखरा हुआ सामान पड़ा है, उसका क्या? अरे कौन करेगा तेरा बाप? हाँ? डरते उससे? ओ उससे? अरे बनवारी, अगर मेरे घर का काम नहीं हुआ ना तो मैं भूत तो तेरा उतार दूंगा, समझा? इस जमाने में भी लोग भूतों से डरते हैं, तभी तो पिछड़े हुए लोग अपनी लाइफ में और पिछड़े जाते हैं। तुम सही थे वीर, कटकानंद का कपाल उसके मां के घर पर ही मिल सकता है। तुम मजाक कर रहे हो ना ब्रदर? नहीं, हम सीरियस।
ये देखो, मेरे इस किताब में महाअघोरों पे पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है, जहां ये लिखा है कि महाअघोरों के मृत्यु के बाद उनकी कपाल को उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है। कहते हैं कि उस कपाल से घर की रक्षा होती है। समझा नहीं कुछ ब्रदर, कटकानंद का कपाल उसके माँ के घर पर ही मिलेगा। पर अब उसका घर कहाँ मिलेगा? ये तो एक ही इंसान बता सकता है, कटकानंद का गुरु खोरा बाबा। ये आ गया चंदेरा। तीन गांव छोड़ के चंदेरा गांव है, वहां तुझे इस पते पर कटकानंद की माँ का घर मिलेगा। समझा तू? तुम्हें अपने माँ के बारे में कुछ याद है? तुमने कहा था कि वो तुम्हें छोड़कर चले गए किसी और की वजह से। कौन था? कोई बड़ा साहूकार, विक्रांत। बड़ा किया उन्होंने बताया था उसके बारे में। खैर अब मेरी मदर को छोड़ो और केके की अम्मा का सोचो, क्या करेंगे वहां जाके, क्या बोलेंगे? हेलो आंटी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आपकी शक्ल ही देखी ना, तो सोचा। और सर आपके बेटे की खोपड़ी चाहिए थी, मिलेगी? और साथ में अगर आंटी आप चाय पिला दे तो मजा आ जाएगा, क्या बोलेंगे? कुछ सोचते हैं, चलो। कौन? अंतिमा, तू लालटेन लेके क्यों घूम रही है? ताकि अंधेरे में हमें देख सके। इडियट, ताकि अंधेरे में हम देख सके। बेटा कौन? अम्मा प्रणाम, हम आपके बेटे के दोस्त हैं, प्रयासपुर से। बिरजू के दोस्त हो? जी। वो तो अपना रहा। लौता बेटा था हमारा बिरजू, अच्छा खासा बाप की जमीन पर खेती कर लेता, पर नहीं, उसे तो तंत्र शक्ति चाहिए थी। चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, अपनी अम्मा को भी छोड़कर चला गया, बुढ़िया को। और फिर उसके मरने की खबर आई। बेटे के बिछड़ने का कब क्या होता है? वही जो माँ से बिछड़ने का होता है। मुझे तो गम नहीं, गुस्सा है। अम्मा, जरा और पानी मिलेगा? क्यों नहीं, अरे इतनी दूर से आए हो और मेरे बिरजू के दोस्त हो, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा ही वापस लौट आया है। रुक रुक, तेरे लिए चाय भी रखती हूँ। हाँ, लाती हूँ। भाई, अब वो मैं ढूंढते भी नहीं देख सकती। वो बेचारी तो वैसे भी नहीं देख सकती। Thank you.
अरे कुछ नहीं अम्मा, मेरे जूतों की है, चमड़े के है ना। पहने तो करता है चुर। अरे ना, ये तो अलमारी की आवाज है। अंधी हूँ, बहरी नहीं। ये लो चाय। में शक्कर कम है। तो चिल्ला क्यों रहे हो? तभी ना सिखाई तेरी अम्मा ने। ये मिलेगी ना, पूछ लेना उस बुढ़िया से। यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाहर है। ओके, आई गो। अम्मा ये मिट्टी यहाँ? बेटा वो कल रात तूफान आया था ना, उसकी हवा के साथ ये धूल घर में आ गई थी। वीर! जब कोई चीज संभाली नहीं जाती तो क्यों रखती है? ये मेरा कपाल चुराने आया है। बिरजू, तू तो डर गया था, लेकिन अब 21 बलि चढ़ाने के बाद फिर जिंदा होऊंगा। 20 बलि चढ़ा चुका हूँ। रुक जा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तू अपने इकलौते बेटे और उसके पुनर्जन्म के बीच में खड़ी है। बेगुनाहों को मारकर जिंदा होने से तो तू मरा हुआ ही ठीक है। तू मर! कौन है? वो बुरा बाबा? नहीं कटकानंद। वीर, वीर रुक जाओ, वीर हम साथ मिलकर उसे रोक सकते हैं। वीर, बस तू और मैं, और फिर सिर्फ मैं ही मैं। ला मेरा कपाल मुझे वापस कर। ब्रदर, क्या कुछ ब्रदर? वीर बाल से नहीं, डरो मत वीर, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मारो इसे! ला मेरा कपाल। वीर पकड़ो इसे, इसे लेकर जाओ, घोड़ा बाबा को दे दो, जो करना होगा वो करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन जाओ यहाँ से मेरे भाई, तुम जाओ यहाँ से। ओके ब्रदर। इसको
पुरा तक पहुंचने से पहले मैं तुझे दुर्भय तक पहुंचाऊंगा, फिर से मैं जिंदा हो जाऊंगा, अंतिम बलि। ये क्या कर रहा है तू? मुझ पर तब तक वार नहीं कर सकता जब तक ये यंत्र मेरे हाथ से ना छूट जाए। लेकिन अब इस यंत्र को मुझसे छुड़ाने के लिए तुझे मेरे हाथ को खाना पड़ेगा। दरखास्त से पहले बता देते हम क्या है कृतिया, क्या है बता बंडा। कुंडेरा में चारों तरफ चलती फिरती मौत है। अब तेरी सजा यह है कि तू औरों की तरह मरता नहीं, जिंदा। हमारी अगली चुनौती
मेरी नई शुरुआत। तुझे आरंभ नहीं, अंत मिलेगा। तेरा अंत मत जा।